प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं सेक्टर 2 बल्लभगढ़ से आता हूँ। सितंबर 2021 से मैं इस कलीसिया का पार्ट हूँ। मेरे लिए गवाही ये है कि कुछ संडे पहले पुलपिट पे लैंड हुआ था और पास्टर जी ने मेरी प्रोफेसी की थी कि आपका कोई बहुत बड़ा कस्टमर जो पहले आपसे बाल लेता था वो दोबारा आपसे ऑर्डर देने जा रहा है। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और दो दिन बाद ही उस कस्टमर का अपने आप फ़ोन आया और उसने ऑर्डर प्लेस किया। इस गवाही के लिए मैं जीसस क्राइस्ट, पास्टर हरीश और पास्टर रती जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीलम है, मैं कचौदरपुर से आती हूँ। मुझे इस कलीसिया में आए हुए 3 महीने हो गए हैं और 9 जुलाई को मैं चर्च में आई थी तो मेरे पेट में काफ़ी टाइम से दर्द रहता था, खाना भी नहीं मैं ढंग से खा पाती थी। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। और फिर जब 9 जुलाई को चर्च में आई तो फास्टर रती ने मेरे पेट पर हाथ रख के उन्होंने बोला था अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, चर्च हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। आज शरीर को जकड़ के मत रखिए, आज बांध के मत रखिए। और मैंने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया और उस दिन से मैं खाना भी खा पा रही हूँ। यहाँ का भी खाना खा के मैं जब घर पे गई और फिर अपने घर पे भी खाना ढंग से खा रही हूँ। मैं प्रभु की दुआ से मेरा बिल्कुल लीवर की प्रॉब्लम जो बिल्कुल जो बिगड़ी हुई थी ना, बिल्कुल प्रभु की दुआ से बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि फास्टर ने बोला था उस दिन कि आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा जो पहले थी वो हट गई है और प्रभु की दुआ से अब दोबारा पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। उसी टाइम मुझे पवित्र आत्मा ने दोबारा छू लिया और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी पवित्र आत्मा मुझे दी है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तो प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे चंगा किया। प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा में हमेशा मुझे बना के रखे पिता परमेश्वर। प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नचौली से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे कई महीनों से सफ़ेद पानी की दिक्कत हो रही थी और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया पर लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिला। मैं 1 महीने से लगातार चर्च में आ रही। मैंने जिस दिन लिविंग वाटर मीटिंग हुई मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। जब मुझे लिविंग वाटर मिला और परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि आप इसको अपने बीमारी वाली जगह पर लगाइए। पीरियड रिस्टार्ट हो, रसोलिया खत्म हो, गांठे खत्म हो, बहुत टाइम से जो वुंड बन चुका है, जो जख्म बन चुका है, उस एरिया में आप अप्लाई करेंगे अगले हफ्ते। आज अप्लाई करेंगे, फोटो लेंगे, अगले हफ्ते सूखा हुआ उस हड्डियों की बीमारियां, उस हर बीमारियां, उस जख्म सूखा हुआ गवाहियों के साथ आप आएंगे। और मैंने बड़े विश्वास के साथ जिस पर परमेश्वर के वचनों पे और उसके दास की भविष्यवाणी के विश्वास के साथ मैंने उसको अपने बीमारी वाली जगह पर लगाई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाशी ये भी बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बेटी का नाम आकांक्षा है और ये 15 साल की है। पिछले 1 महीने से लगातार ये बेटी चर्च आ रही है और जब ये चर्च आना शुरू किया तो ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और जब ये चर्च में आती थी ये दुष्ट आत्मा इसको बहुत ज्यादा सताती थी, खेल इसके ऊपर पड़ते थे, ये अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। 1 महीने से लगातार चर्च आ रही है। 18 जून को जो ले हैंड की प्रेयर मीटिंग हुई उस प्रेयर मीटिंग में आपने इस बेटी के ऊपर हाथ रखा। उस ले हैंड के मीटिंग के बाद उस दुष्ट आत्मा से ये बिल्कुल आजाद हो चुकी है। और उसी के साथ फांसी जब पिछली बार जो लिविंग वाटर मीटिंग था उसमें इस बेटी ने बताया कि लिविंग वाटर मीटिंग में जब ये बेटी आई इसको व्हाइट डिस्चार्ज का इशू था, गुप्तांग से व्हाइट डिस्चार्ज होता था, पर आपने बोला कि जो बीमार शरीर है, बीमार अंग है, वहां पे जाके इस लिविंग वाटर को अप्लाई करो। ये बेटी विश्वास के साथ वॉशरूम में गई, उस लिविंग वाटर को अपने गुप्तांग में अप्लाई किया और उसके बाद से आज तक बिल्कुल हील और चंगी है। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम शाइनी जॉनसन और मेरा नाम अश्विन जॉनसन, और बहुत अद्भुत गवाही जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करा है काम, हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम दोनों बचपन से ही मसीह हैं, परंतु दशमांश के बारे में, सीड ऑफरिंग के बारे में, थैंक्स ऑफरिंग के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। वचन में पढ़ा था और उसको हमने बहुत इजी ले लिया कि ठीक है, दशमांश देना है दे देंगे, साल में एक दफ़ा, छः महीने में एक दफ़ा। और समटाइम्स हमें पास्टर झंझोड़ते भी थे कि अपना दशमांश दो, हम कहते थे पता नहीं क्यों मांगते रहते हैं। और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें दशमांश बोना ही बोना है, हम फिजिकली भी काम कर सकते हैं, हम मेंटली भी काम कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी उलझने थी। परंतु जब से हम टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के साथ जुड़े और हमने दशमांश के महत्व को, सीड के महत्व को, थैंक्स गिविंग के महत्व को पास्टर हरीश के द्वारा जब जाना, और हमने देखा कि हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम होने स्टार्ट हो गए। और हम दोनों यही चाहते हैं कि जो काम हमारे जीवन में परमेश्वर ने उन सब कामों के बाद करा, वो आपके जीवन में भी करे। जैसे कि हमने एक ऑफरिंग, एक सीड बोया परमेश्वर के राज्य में। मैं जानती हूँ सीड बोना बहुत मुश्किल है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है बोना, और हमें सोचना पड़ता है, समटाइम्स हम रोते हुए भी बोते हैं। परंतु वचन कहता है जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए लबेगा। और जब हमने अपना फेवरेट सीड परमेश्वर के भवन में बोया, तो बोने से पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करी कि प्रभु जब हम इस सीड को बोएंगे तो हम कैसे जानेंगे ये तुझे रिसीव है, तो अपने दास या अपनी दासी की तरफ से घोषणा करना कि वो उस जो चीज़ हम बोने जा रहे हैं उसका शब्द अपने मुँह से लें। और उस दिन पास्टर रति ने घोषणा करी बोते समय कि प्रभु जो लेडी अपनी उन चीज़ों को बो रही हैं, आज शायद वो रोते हुए बोएंगी परंतु वो हंसते हुए बहुत सा लवने पाएंगी। जिस प्रकार हन्ना उस दिन रोते हुए अपने उस बिग सीड के साथ आई थी परमेश्वर, वो आई रोते हुए थी परंतु गई जय जयकार के गीतों के साथ परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन आज मेरी प्रार्थना है कि हन्ना का प्रार्थनाओं और उसके सीड का उत्तर देने वाला परमेश्वर, कॉर्नेलियस की प्रार्थनाओं और उसके ऑफरिंग्स को उत्तर देने वाला परमेश्वर, पौलुस के साथ जो बहुत सारी लेडीज कार्य करती थी परमेश्वर, उनके प्रार्थनाओं और बिग सीड का उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावन, इन लोगों के सीड को और उनकी प्रार्थनाओं को देख के तू उत्तर देगा परमेश्वर। और मैंने उसको रिसीव करा और परमेश्वर की मर्जी को जाना, और मैंने उस सीड को उस दिन बोया, और बहुत अद्भुत काम परमेश्वर ने करा। और उस प्रभु यीशु मसीह ने हम दोनों को उस सीड के बदले एक बहुत बड़े लैंड के साथ नवाजा। और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर हरीश और पास्टर रति का, जिन्होंने हमें ये चीज़ को महत्व बताया और हमने उसको एज इट इज़ अप्लाई करा अपनी लाइफ के ऊपर। हमने किसी से कुछ नहीं पूछा, हम सीधे चलते गए, हम बोते गए, दशमांश बोते गए, सीड बोते गए, ऑफ थैंक्स ऑफरिंग बोते गए, और एक अद्भुत रीति से अपने जीवन में हमने काम होते हुए देखे, उन ब्लेसिंग्स को हमने अपनी लाइफ में महसूस होते हुए देखा जो इतने सालों से कभी नहीं हुआ। बींग अ बाय बर्थ हम लोग क्रिश्चियन हैं, हमने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं करा, वो ब्लेसिंग्स भी हमारे पास कभी नहीं आई जो दशमांश को बोने के बाद, सीड ऑफरिंग्स को बोने के बाद, थैंक्स ऑफरिंग को बोने के बाद जो हम रिसीव करते हैं वो अद्भुत है। मैं स्पेशली धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का, पास्टर हरीश का एंड पास्टर रति का, जिन्होंने हम दोनों को ये टीचिंग और ये प्रीचिंग दी कि किस तरह से बोना है और किस तरह से पाना है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सागर है और ये मेरे मौसा जी हैं और हम फरीदाबाद से हैं। मैं अपने मौसा जी की गवाही आपको शेयर करना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ये ड्रिंक करते थे, ड्रिंक करने की वजह से मौसा जी के पेट में पानी पड़ गया था, पानी पड़ने से और इनका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, और जिसके कारण इन्हें एमरजेंसी में ले जाया गया और वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में इन्हें ICU में एडमिट किया गया। और एडमिट करने के बाद उन्होंने काफ़ी सीरियस कंडीशन बताई और इनकी इंडोस्कोपी वहाँ पे हुई, और फिर उसी दौरान मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल था, वो मैंने अनॉइंटिंग ऑयल मौसा जी की बॉडी पे लगाया, और बॉडी पे लगाने के बाद वो ICU से उन्हें अगले दिन ही बोल दिया कि इन्हें वार्ड में हम शिफ्ट करेंगे। और फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद इनकी छुट्टी होने के बाद 1 वीक तक ये घर पर ठीक रहे, फिर उसके बाद इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और बोलना बिल्कुल रुक गया था, तो काफ़ी घबरा गए थे मेरे
मौसी जी भी और उनकी फैमिली, तो उन्होंने कॉल करी और हमने फिर पास्टर जी के पास कॉल मिलाया, उनसे प्रार्थना कराई ऑनलाइन, और उन्होंने प्रार्थना करी और कमांड किया और उन्हें वचन दिया कि ये वचन आपको बोलना है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। तो ये वचन उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया और रिसीव किया। फिर उसके बाद इनकी DIM एक हॉस्पिटल है जो कि 5 नंबर में, उसमें इन्हें एडमिट किया गया। वहाँ ये 4 दिन तक रहे और 4 दिन रहने के बाद ये खुदा की दया से आज बिल्कुल बहुत चंगे हैं। और मैं पास्टर रति जी का और पास्टर हरीश जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उनकी प्रार्थना से आज मेरे मौसा जी बिल्कुल भले चंगे हैं। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम अनीता है, ये बहन दिल्ली से आई हैं। इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि पिछले महीने इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और आंखें भी दर्द कर रही थी, तो ये बहन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और अगले 15 दिन में सर्जरी करानी होगी। ये बहुत ज़्यादा डर गई। 2 जुलाई को ये बहन लिविंग वाटर सर्विस के लिए आई। पास्टर जी ने इन्हें पानी दिया और पिया उस पानी को। इन्होंने उस पानी को अपने सर पर और आँखों पर भी अप्लाई किया। पीने के बाद तुरंत ये बहन चंगी हो गई। डॉक्टर के पास से गई, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि मेरी दोनों आंखें ठीक हैं। और पाशी इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम अनीता है, दिल्ली से आती है पाशी। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि पिछले महीने इनके सर में बहुत ही दर्द था और आंखों में भी बहुत दर्द था। ये डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने इनके सर को चेक किया, आंखों को चेक किया, दोनों आंखों को चेक किया, उन्होंने बोला आपके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और इमीडिएट सर्जरी कराना पड़ेगा। उन्होंने बोला 15 दिन के अंदर अंदर सर्जरी कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें आंखों में दिक्कत हो सकती है। वो डॉक्टर के पास से घर आई, प्रार्थना करना शुरू किया, चर्च रेगुलर अटेंड किया और आंखों को हील करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। 2 जुलाई को जब लिविंग वाटर सर्विस हुआ, उस मीटिंग में जो प्रार्थना की हुआ पानी जो आपके कमरे से आता है वो इनको दिया गया। उन्होंने विश्वास में अपने आंखों में उसको डाला और उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास दोबारा गई, रिपोर्ट सारे दोबारा चेक हुए, आंख चेक हुआ, बोला जो मोतियाबिंद था वो नहीं है। और ये बहन इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती है। आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम ईशान है, मैं अभी 8 साल का हूँ। 4 साल से मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी फीस नहीं दे पा रहे थे मम्मी पापा। तब मैं पहली बार यहाँ चर्च में आया। पाम संडे वाले दिन पास्टर नी ने मेरे सर पे हाथ रखा और प्रार्थना करी कि इस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और मेरा मंडे को एडमिशन हो गया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साहिल विनय लाल है। मैं और मेरा परिवार इस चर्च से शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और मेरे जीवन की ये पहली टेस्टमनी है जो आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके बाद अपने पासवान पास्टर हरीश और पास्टर रति का धन्यवाद देता हूँ जिनकी फायर प्रीचिंग ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। अब मैं बताऊँ कि मैं अपनी मेरी आदतों में क्या क्या चीज़ था। मुझे दुनिया की जो 2 सबसे गंदी आदत होती है वो लगी हुई थी, एक तो शराब पीना और दूसरा सट्टा खेलना। इन दोनों बुरी आदतों ने मैं ऐसा तोड़ा मुझे और मेरे परिवार को कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश रहते थे, सुख चैन कुछ नहीं था और आए दिन पैसों की तंगी रहती थी। इसका असर हमारे बच्चे पर भी पड़ने लगा और बहुत बुरे दिन हम देखने लगे। उसी दरमियान परमेश्वर ने काम करना स्टार्ट किया, प्रभु यीशु ने काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। मैं बताऊं, हम लोग एक किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया 6,500 रुपया है। हर एक महीने के शुरुआती दौर में मेरी वाइफ मुझे पैसे देती थी और कहती थी जाके किराया दे आओ। मैं ईमानदारी से जाके मकान मालिक को किराया दे देता था। फरवरी के महीने में भी उसने पैसे दिए मगर मैंने उसके विश्वास को तोड़ा। मैं पैसे लेके मकान मालिक के घर पर गया भी लेकिन वो था नहीं
और वो पैसे मैंने पॉकेट में रखे और शैतान ने काम किया और मैं उसी रास्ते पर चला गया और इन्हीं दो बुरी लतों में मैंने उसी दिन उस पैसे को बर्बाद कर दिया। दो दिन तक मैंने ये बात छिपाए रखी कि दाएं बाएं करके कैसे भी करके कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। और तीसरे दिन मेरी वाइफ को पता चला और जब उसको पता चला और उसका मैंने रोना देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मैंने इससे भी बड़ी बड़ी गलतियाँ पिछली ज़िंदगी में की, लेकिन ये गलती उन सबों के सामने, वो गलतियाँ सब छोटी पड़ गईं इस गलती के सामने। और मैंने बहुत अपने पर बहुत कोसा, मैं भी बहुत रोया कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और पाशा जी की प्रीचिंग को याद किया जो बीते दिन उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अपने घर में प्रेयर रूम बनाओ और प्रेयर करो और प्रेयर टाइम बढ़ाओ। मैंने वही किया, सबसे पहले मैंने प्रेयर रूम बनाया और रोज़ाना रूटीन से मैं सवेरे 4:30-5 बजे अपने प्रेयर रूम में बैठ के 1-1.5 घंटा घुटने पे आंसुओं में आके कैसे भी करके मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने मेरी सुनी और मेरी ज़िंदगी संभलती गई। मेरे घरों में आशीषों का अंबार लग गया। मैंने ये दोनों बुरी आदतें छोड़ी और मेरे बरकतों का की बारिश हुई। हमारे घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना खाने की कमी। हम पूरा परिवार एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और उनके प्रभु यीशु मसीह के दास पास्टर हरीश और पास्टर रति का धन्यवाद हो, जिनकी फायर प्रीचिंग ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनुराधा है। मैं 4 जून को अपनी मम्मी के साथ आई थी। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और पास्टर जी ने मुझे आगे बुलाया, जिसके कान में दर्द है वो आगे आ जाए। मैं आगे गई। जितने बीमार आप पुलपिट के इस तरफ आएंगे, राइट हैंड साइड में दाई और आएंगे, और जितने कान के दर्द के साथ आए हैं आप पुलपिट के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और मस्सा को लेके जाएंगे। उन्होंने ले हैंड प्रार्थना करी, मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सचिन है, मैं NIT 3 से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले साल 17 सितंबर से इस चर्च से जुड़ा हूँ, पर चर्च से जुड़ने से पहले से मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मैं खाना नहीं खाता था पूरे दिन। मतलब पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 या 3 रोटी खा पाता था और ज़्यादातर टाइम मैं चाय पर रहता था। चर्च से पहले जब मैं ऑफिस में भी जाता था तब भी मैक्सिमम सिर्फ चाय पर ही रहता था। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ का चर्च का मोस्टली स्टाफ, मोस्टली वॉलंटियर, सभी लोग जानने लगे कि भाई मैं ज़्यादातर चाय पे रहता हूँ। डांटते भी थे, सभी कुछ समझाते भी थे कि आप इतना चाय मत पिया करो, रोटी खाया करो, बट मुझे भूख नहीं लगता था। बट जब उन्होंने पास्टर अति ने जब प्रोफेसी करी 25 तारीख को, जब वर्शिप हुआ उसमें जब प्रोफेसी करी कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों के पेट को आज प्रभु यीशु मसीह छू रहा है और वो हील हो रहे हैं, उस प्रोफेसी को मैंने अपने लिए रिसीव किया। आज आप चेक करके देखेंगे, आज आपको इतनी भूख लगेगी और आप बुधवार को गवाही के साथ आएंगे। आपको इनडाइजेशन की बीमारी है, आपको इनडाइजेशन की बीमारी है, आप कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। इसी टाइम जैसे आपने अपने पेट पे हाथ रखा है, परमेश्वर स्वर्गदूत आपके पेट को छू रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। और जब रिसीव किया और जब वर्शिप खत्म हुआ, वर्शिप खत्म होने के बाद जब सब लोग लंगर करते हैं, मैंने लंगर भी अच्छे से किया। जो नमक पारे रखे थे मैंने स्टॉक में रखे हुए थे, नमक पारे पूरे खा लिए। मैंने अपने बिस्किट पूरे ख़त्म कर लिए, बट उसके बाद भी और रात को मुझे इतनी तेज़ भूख लगा, मैंने रात को डिनर प्रॉपर तरीके से किया। मतलब वो प्रोफेसिव अपने लिए रिसीव करने के बाद वो दिन है और आज का दिन है। मैं पूरे दिन में 2 से 3 रोटी खा पाता था। मैं अब नाश्ते में इतना खा लेता हूँ, बाकी लंच भी अच्छे से करता हूँ, डिनर भी अच्छे से करता हूँ। और इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर प्रभु के दास और दासी पास्टर रहती है पास्टर हरीश का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की।